अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार सीन को जैसा है कि आज जुम्मे का दिन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मंडी सीरीज़ हमारी आएगी और इंशाल्लाह प्लेलिस्ट हम अलग बनाएंगे मंडी सीरीज़ की, ना आप जाके वॉच करें। और बाकी जो है शाम हो चुकी है और मालिक जो है अपने परिंदों को हमारे दाना दे रहा है सबको। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग के अंदर खल बनाने का तरीका, और इस तरीके से आप बना सकते हैं आराम से। तो यार मेन मुद्दे बात है, हम जा रहे हैं मंडी, ठीक है ना, गायें वगैरह देख के आते हैं। हैदराबाद की मंडी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है, जो करीब आसपास होती है, शहर के आसपास होती है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जाते हैं इंशाल्लाह, मंडी देख कर आते हैं क्या रिपोर्ट है, जानवरों के क्या रेट हैं और जानवर कौन कौन से वहाँ पर रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं, भी देखते हैं आपको बताते हैं। जानवर पालते हैं इधर ही, बड़े करते हैं सारे ना। कैटल फार्म का नाम है भाई कैटल फार्म, दिखा दो। भाई कैटल फार्म 10 नंबर के अंदर है मंडी ना, माशाल्लाह से भी और आ गई मंडी है, देखते हैं चलते हैं अभी। सो गाइस हम लोग आगे वाले कैटल फार्म पर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन्स होने हैं। यार आगे चलते हैं, अभी आगे चल के दिखाते हैं। 10 नंबर के अंदर। सो अब हम लोग जा रहे हैं आगे आगे वाले कैटल फार्म की तरफ, उसका नाम है बोरा सामने। आगे सामने माशाल्लाह जानवर नज़र आ गए, खजाना ये देख, अभी कितना ये माशाल्लाह। ओ पार्टी भी यहाँ पे, यहाँ पे पार्टी भी मौजूद है, देखते हैं अब आगे चल के जानवर सारे। यहाँ पे छोटी छोटी क्यूट क्यूट गाय भी हैं। हाँ सबसे अच्छी लाल वाली गाय, हाँ सबसे गुलाबी साड़ी, लाल लाल पागल हो गया है यार अभी ये। सो गाइस हमें एक कैटल फार्म दिखा था वहाँ, उसका नाम अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो दूर यहाँ से दिख भी उल्टा रहा है जो है, देख सकते हो यहाँ पर जानवर कितने हैं माशाल्लाह से। इनके पास भी अच्छी क्वालिटी के जानवर हैं। ये तो ये वाला तो मेरे ख्याल में बच्ची है, सबसे हैवी वो ब्लैक वाला है, सबसे हैवी ब्लैक वाला है। आ गया माशा, आ जाओ यहाँ भी दिखा दो। ये देखिए माशाल्लाह कितना हसीन बच्चा है, माशाल्लाह बहुत हसीन बच्चा है माशाल्लाह से। कम अज़ कम बिन के रेट 10-11 लाख रुपये बोल रहा है बंदा ना, पूछे थे अभी रेट में, मतलब ये जो सबसे कम वाला है ना इसी के 10 लाख बोल रहा है। आ रहे हैं अवेश भाई, बुला रहे हैं भाई, ये वाला देख रहा है माशाल्लाह, वो रहा है यहीं से, इधर आ जाओ, डर लग रहा है, इधर आ जाओ। सारे के सारे बछड़े हैं वो वाली जो थी, ये वाली बच्ची है, ये है ब्लैक, ये बहुत माशाल्लाह से ना सबसे हैवी जानवर है इस कैटल फार्म का, सबसे हैवी जानवर है ये भी माशाल्लाह, बहुत है भी माशाल्लाह, माशाल्लाह सबसे हैवी जानवर। अब ये जानवर यार सबसे सबसे हैवी है, इसका मुंह तो देख, हाँ अभी तो कितना बड़ा है माशाल्लाह, माशाल्लाह ये सबसे हैवी जानवर है यहाँ का। इसके तो इसमें से इतना सारा गोश्त निकलेगा, अभी से मुझे बारबेक्यू की याद आ रही है, एक मन की होगी अभी से बारबेक्यू की याद आ रही है, देख सकते हो। मैं भाग के बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे तो इन दोनों से ज़्यादा डर लगता है, इधर रश भी बड़ा हो गया, थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो रहा है।
चले हम आपको मिलते हैं आप दूसरे पहले किसी ये देखो। ये वाला देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत सही जानवर है, ब्लैक वाला। इसका आप साइज़ देखें, कैमरे में करीब से तो आ ही नहीं रहा और अंधेरा भी होने लगा है, तो शायद हम लोग की शक्लें भी सही से थोड़ी अंधेरे अंधेरे में ही नज़र आ रही होंगी। लाइटिंग वाइटिंग होगी अभी, तब मज़ा आएगा, अभी तो फिर लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं है। वो इसीलिए नहीं, अभी ईद थोड़ी दूर है, थोड़ी ईद करीब आएगी तो फिर इधर लाइटिंग भी करेंगे ये लोग और सजाएंगे भी फार्म को। मिलते हैं नेक्स्ट कैटल फार्म में, चलते हैं। बहुत सारे कैटल फार्म है आपको रास्ता में बता देता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। फिर हैदराबाद के सब लोग जानते होंगे, लेकिन इधर जाना वही वो खुल गया, ये खुल गया माशाल्लाह, बाहर बांध रहे मेरे खलने से। पानी पिला रहे हैं, एक तस्वीर तो ले लें यार, ये पानी पिला रहे हैं। मेरी तू ले यार, तस्वीर लेते हैं अवेश भाई, इसके भी तस्वीर लेंगे माशाल्लाह इसके साथ। चलिए हम आपको अभी किसी और कैटल फार्म में जाके मिलते हैं और इसका कैटल फार्म का नाम बताते हैं। सो गाइस, इस कैटल फार्म का नाम है मदीना कैटल फार्म, जिसमें थे वो वाले जानवर अभी हमने आपको दिखाए थे। अब देखते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं कोई और कैटल फार्म्स भी हैं यहाँ पे, और भी गाय खड़ी हैं। खैर ये बाहर खड़ी हैं, हम आपको कैटल फार्म्स के अंदर की गाय दिखाएंगे। जैसे आप ये देखें माशाल्लाह, कितना हसीन ये जानवर है। और भी कैटल फार्म्स में इतने हसीन हसीन जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, हम यहाँ पे आए, थोड़ी बहुत रोशनी है यहाँ पे, वैसे अंधेरा यार, अभी हम अंदर चलते हैं। तो रहे यहाँ पे अच्छे अच्छे जानवर, अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है, हम आ गए, मगर यहाँ पे जानवर छपाते रहे, थोड़े डर लग रहा है। वो तो अभी ऐसा उछला था, ये देखें फॉरन है ना, इनके पास भी जाओ तो यहाँ पे जानवर अच्छे हैं ना, दस नंबर से डायरेक्ट जब अंदर आप घुसोगे ना, सीधा सीधा अंदर आ जाए, वही जगह है सारी ना, देख सकते हो। मैं तो खैर बहुत दूर खड़ा हूँ, फिर भी उछल गया इसके उछलने से। 6 लाख भाई, 6 लाख रुपये मांग रहे हैं भाई ना, जल्दी कम से कम बड़ा गंदा टूटा है वो, उसके क्या मांगे, 1,75,000। फिलहाल रेट बहुत सही है माशाल्लाह, चाह रहे जानवर अच्छे हैं इनकी। यार कैटल फार्म का नाम क्या है यार, फार्म का कोई नाम नहीं है भाई, बाड़ा लिखा हुआ यार, इनके जानवर भी माशाल्लाह से अच्छे हैं, सेट हैं सारे के सारे ना। चले अभी हम चलते हैं कहीं और, देखते हैं फिर वहाँ भी कोई अच्छे अच्छे जानवर। ये देखिए लाल वाली गाय माशाल्लाह। यार आज हम आ चुके हैं दूसरी जगह पे, तो देख सकते हो आप यहाँ के जानवर को, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। यार ये देखो माशाल्लाह जानवर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत है, गुस्सा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है, तबीयत पे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, खैरियत है, तबीयत पे ठीक है, ये गुस्सा कर रहा है, खतरनाक बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है, खाना वाना दे रहे हैं लोग, सही दे रहे हैं ना, ओके। तुम्हें जो ख़रीदने आएंगे ना वो सही देंगे, वो ज़्यादा सही देंगे, इनसे भी ज़्यादा सही। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सारे, ठीक है भाई। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर लग रहा है, लेकिन ये फुर्राड़ भी लग रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होगी अच्छी, तो हम इंशाल्लाह आएंगे, दिन में भी आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, जैसे हम दोपहर में आए नहीं क्योंकि ये तो ओपन ही है, तो खुला हुआ ही रहता है हर वक्त, बाकी जो कैटल फार्म्स होते हैं वो दिन में बंद होते हैं। तो चले अब हम चलते हैं किसी और जगह पर। यार ये जो कैटल फार्म है, हम यहाँ आ चुके हैं, एन ए कैटल फार्म, एन कैटल फार्म, यहाँ पर लाइटिंग अच्छी। तो यार ये आस्ते आस्ते करके जानवर बाहर लेकर आ रहे हैं सारे ना, ये देख सकते हो, मतलब अभी ये खुल रहा है, आप खुद देखें यहाँ पे, आई थिंक अभी 8 तो बज रहे होंगे, आप देखें कि अभी ये खुल रहा है, तो पूरी रात फिर खुला ही रहेगा। ये अच्छा माशाल्लाह, यार ये आ चुका है जानवर,
तू घर कैसे जाएगा? सो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं मंडी से, और जो है रेहान थक गया है, वो तो व्लॉग में नहीं आना चाह रहा था, लेटा हुआ है। खैर तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, इंशाल्लाह हम आगे भी आपको मंडी व्लॉग दिखाएंगे और इसकी एक पूरा इसकी एक सीरीज़ आएंगे मंडी व्लॉग्स की इंशाल्लाह। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप नोटिफाइड रहेंगे कि हमारा व्लॉग कब कब किस टाइम पर आ रहा है। खुदा हाफिज़।